टुडे वी स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ चार सॉप बबल। एक सॉप बबल होगा, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो डिटरमाइन करेंगे, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और देन उस पर कितना चार्ज होगा इक्विलिब्रियम पीक ऊपर वो आप क्या लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए किस तरह से सॉल्व आउट करना है इसको वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया, एक सॉप बबल लिया, दैट इज आवर सॉप बबल। ये नॉर्मल सॉप बबल है। इस सॉप बबल के इनसाइड में जो ये एयर के मॉलिक्यूल हैं ये बाहर की ओर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और इस प्रेशर को हम बोलेंगे पी इनसाइड। और बाहर के जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो इस सरफेस पे अंदर की ओर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड पी आउटसाइड। बट आपने 11th में पढ़ा कि जो पी इनसाइड है वो मोर देन होगा किसके, पी आउटसाइड के, तभी तो ये बबल फैला हुआ रह सकता है, अदरवाइज तो ये कंप्रेस होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके पास। तो इस कंडीशन पे इसके बीच का कुछ डिफरेंस होगा, मतलब कि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर के बीच का सम डिफरेंस होगा, डेट डिफरेंस इज नॉन एज एक्सिस प्रेशर, कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आपके पास आया। तो हम बोलेंगे पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड का डिफरेंस इक्वल होगा किसके, पी एक्सिस के। और 11th पे आपने पढ़ा कि सौ बबल पे जो पी एक्सिस प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, 4T/R, जहाँ आर क्या होती है रेडियस ऑफ द बबल एंड टी क्या होता है सरफेस टेंशन ऑफ द सॉप बबल आपके पास है। तो पी एक्सिस आपके पास हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पी एक्सिस कितना आएगा, 4T/R, और ये कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके पास, ये कौन है पी एक्सिस। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर पी एक्सिस 4T/R के इक्वल है तो ये बैलेंस रहेगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, कि यही सॉप बबल था लेकिन इस बार इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया, तो चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, इसके सरफेस के ऊपर। तो ये सरफेस के ऊपर चार्ज गिवन है, और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, क्यू आपने दिया है, रेडियस कितना बताया था आर। इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी एक प्रेशर लग रहा है कितना, पी एक्सिस, लेकिन अब चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक प्रेशर भी लगेगा, वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज पी इलेक्ट्रिक आपके पास अप्लाई हो रहा है। अगर ये सॉप बबल बैलेंस है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इसका पी एक्सिस ये भी आउटवर्ड में है, प्लस पी इलेक्ट्रिक ये भी आउटवर्ड में है, इन दोनों का सम इसके टेंशन वाले प्रेशर के बराबर है, डेट इज 4T/R के क्या है, इक्वल है आपके पास। यहाँ पे हम बोलेंगे पी एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4T/R माइनस ऑफ क्या लिखा जाएगा, पी इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पी एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4T/R माइनस, आपने प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना निकाला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यही तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे, मतलब क्या बढ़ाओगे चार्ज, तो जो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो होगा क्या कि पहले ये 4T/R मान लीजिए 50 था, और ये कितना था, 10 था। अगर ये इस कंडीशन में है तो बबल बना हुआ रह सकता है। अब क्या करो, ये तो कांस्टेंट है, आप इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ा रहे हो, 10 को बढ़ा के 20, फिर बढ़ा के कर दिया इसको 40, फिर बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया 50। जैसे 50 करोगे तो एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो, डेट इज ब्रेक डाउन कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ये ब्रेक डाउन कंडीशन है किसकी, सॉप बबल की, आपके पास सॉप बबल है, मतलब इस कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो हमने बोला कि एटलीस्ट ये इक्विलिब्रियम रहे, ऐसा तब होगा जब ये जो पी एक्सिस है वो कितना हो जाए, जीरो, इसके बाद ये ब्रेक होगा, जीरो पे ये क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम रह सकता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिखेंगे, हमने बोला एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, पी एक्सिस जीरो, देन 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, 4T/R के। आपको
पहली टर्म जो कैलकुलेट करनी है डेट इज रेडियस, तो आर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 8T εo/σ2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, सो बबल के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेडियस का फॉर्मूला। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो हम लिख सकते हैं σ2 = 8T εo/r। यहाँ से सिग्मा कितना हो जाएगा, √8T εo/r। ये फॉर्मूला हुआ किसका आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड आपको कैलकुलेट क्या करना है, चार्ज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज इन पर यूनिट सरफेस एरिया। और सो बबल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेयर। सो बबल का शेप कैसा होगा, स्पेयर, और स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4πr² सिग्मा कितना हो जाएगा, q/4πr² यहाँ से आप चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे कितना आपके पास, 4πr² × σ। चार्ज इक्वल टू 4πr² और सिग्मा आप निकाल चुके हैं कितना होता है, √8T εo/r, √8T εo/r। इस टर्म को और सिंप्लीफाई करेंगे 4π। ध्यान रखना ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर के होल स्क्वायर का अंडर रूट, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके पास, ये जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस से क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। लेकिन अब रूट दोनों इक्वेशन पे क्या आ जाएगा, कॉमन, तो हम कितना लिखेंगे, 4π√ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर 4 × 8T εo/r। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, क्या बचा, आर क्यूब। तो आपके पास चार्ज का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, 4π√8T εo/r³, दैट इज फॉर्मूला ऑफ चार्ज। और यहाँ से आपके एक तो एग्जाम्पल सोल्व होगा और एक आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा इस चार्ज के फॉर्मूला से। अब देखिए इसको नोट्स में किस तरह से आपको लिखना है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सो बबल है, तो हमने क्या लिया, द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सो बबल इज मोर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस। हमने क्या बोल रहे हैं कि जो सो बबल है इसके इनसाइड का प्रेशर मोर देन है किसके, आउटसाइड का एटमोस्फेरिक प्रेशर से। इफ द रेडियस ऑफ द बबल इज आर एंड द सरफेस टेंशन ऑफ टी, अगर उस बबल का रेडियस आर है और सरफेस टेंशन कितना हो, टी, एट अनचार्ज कंडीशन। पहला क्या है, जब वो अनचार्ज होगा तो पी इन साइड लार्जर है किसके, पी आउटसाइड के, और इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस किसके बराबर होगा, एक्सिस प्रेशर के। और इलेवंथ में आपने पढ़ा है कि एक्सिस प्रेशर की फॉर्मूला कितना होता है, 4T/r। देन इफ बबल इज चार्ज, बबल को अगर चार्ज दोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा। देन इलेक्ट्रिक प्रेशर आल्सो इन आउटवर्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कौन सा होगा, आउटवर्ड में। तो आउटवर्ड में देखो एक तो पी एक्सिस काम कर रहा था, अब एक कौन काम करेगा, पी इलेक्ट्रिक। तो आउटवर्ड में टोटल कितने हो गए, पी एक्सिस प्लस पी इलेक्ट्रिक, इनकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 4T/r। यहाँ से हम बोलेंगे पी एक्सिस कितना हो जाएगा आपके पास, 4T/r − p इलेक्ट्रिक। बैलेंस कंडीशन के ऊपर पी इलेक्ट्रिक की वैल्यू पुट कर दी, σ²/2εo। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि जो एक्सिस प्रेशर वो कितना हो जाए, जीरो। तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो 40/r = कितना हो जाएगा, σ²/2εo। 40/r उधर ट्रांसफर कर देंगे एक पास, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, σ²/2εo। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पास, सॉरी ये टेंशन है टी आया आपके पास, यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक तो टेंशन, यहाँ से एक रेडियस का फॉर्मूला और लिख लेना, r = कितना, 8T εo/σ². यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, 8T εo/r। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, एरिया कितना है, 4πr², तो चार्ज कितना हो गया, 4πr² सिग्मा, 4πr² एजिटी, जो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, √8T εo/r। यहाँ पे आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट, रूट दोनों पे कॉमन आ गया, अंदर कौन चला गया, आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, 4π√8T εo/r³। थैंक यू। और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।